हे एवरीवन, आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो ऑलमोस्ट हर घर में बनता है और इतना लाइट होता है ना कि आप इसे कभी भी खा सकते हो, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, कभी भी आपकी मर्जी हो तो बना के खा सकते हैं। और इसको बनाना भी बहुत इजी रहता है, पर कईयों की ये शिकायत रहती है कि काफ़ी चिपचिपा हो जाता है। तो आज मैं एक ऐसा इन्ग्रीडियंट और ऐसा तरीका बताऊँगी कि ये बिल्कुल चिपचिपा ही नहीं होगा और प्लस बहुत खिला खिला बन के रेडी होगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने प्याज काट लिया था और गाजर काट ली थी और छोटे छोटे हरी मिर्च काट के साइड में रख लिया था। आप चाहें तो और भी सब्जियां इसमें डाल सकते हैं, पर मैंने सिर्फ इतनी ही ली थी। साथ में इसमें मैंने डाला था 2 चम्मच घी, और घी में मैंने फिर ये मूंगफली थी उसको हल्का सा सौते करा था। साथ ही में मैंने 5-6 काजू भी सौते कर लिए। उसके बाद अगेन इसमें 2 चम्मच घी डाल के 2 टाइप की दाल, उड़द दाल और चना दाल डाल के धीमी आंच पे एकदम रोस्ट कर लेंगे। ध्यान रखेंगे कि दाल जले नहीं और अच्छे से रोस्ट भी हो जाए। इसके बाद जब दाल रोस्ट हो जाएगी तब हम इसमें डालेंगे ढेर सारी राई, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ प्याज, और प्याज को एकदम गलाना नहीं है, बस थोड़ा सा सौते ही करेंगे हम। और ये जो मैंने सूजी ली थी ना, तो सूजी मैंने ली थी 1 कटोरी, इसको मैंने धीमी आंच पे घी में अच्छे से रोस्ट कर लिया था। तो जिस नाप से हम सूजी लेंगे उसी नाप से हम पानी लेंगे, तो जितनी सूजी रहेगी उसका जस्ट डबल पानी रहेगा, और उससे जस्ट हाफ हम लेंगे दूध, कच्चा दूध नहीं। आप कच्चा दूध भी डाल सकते हैं और उबला हुआ भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे वो उसमें उबलेगा ही। तो मतलब आधा कटोरी दूध लिया मैंने, 1 कटोरी सूजी और 2 कटोरी पानी। इस रेशो से बनाएंगे हम इसको। देन उसके बाद अच्छे से सौते करा मैंने प्याज को भी। प्याज हल्का से सोते हो जाने के बाद हम इसमें गाजर मिक्स करेंगे। हरी मिर्ची जो थी ना वो मैंने थोड़ा एंड में ही डाली थी, थोड़ा सा स्पाइसेस बना रहे हैं इसमें। तो ये सब गल जाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी और साथ ही में दूध ऐड करेंगे। और ये पानी और दूध डालने के बाद हम इसको फ्लेम को तेज करेंगे और इसमें बॉईल आने देंगे। एंड बॉईल्ड आने के बाद हम इसमें पहले मिक्स करेंगे 2 चम्मच सूजी, फिर इसको चलाएंगे और फिर इस सबको हम धीमी आंच पे ही करेंगे, क्योंकि क्या होगा ना, नहीं तो वो चटक के ऊपर आने लगता है। देन फिर अगेन मिक्स करेंगे 2 चम्मच सूजी और फिर अगेन हम इसको मिक्स करेंगे। ये सारा प्रोसेस हमें एकदम लो फ्लेम पे ही करना रहेगा। एंड में मैंने सारी सूजी मिक्स कर दी और फिर इसको अच्छे से चलाया धीमी आंच पे ही। एंड में जब ये गाढ़ा हो जाने लगेगा ना, तो हम इसको ढक के 2 मिनट के लिए कुक करेंगे, इसको बिल्कुल भी चलाएंगे नहीं अब हम। और लास्ट में 2 मिनट के बाद हम लोग गैस बंद कर देंगे। इसमें मैंने नमक भी डाला था पर मैं आपको दिखाना भूल गई थी, तो आप स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिएगा। साथ ही में बाद में एंड में ये काजू और मूँगफली डाली और थोड़ा सा घी भी ऐड किया था, तो वो मैंने थोड़ा बाद में ऐड किया था, तो मैं आपको अब आके दिखने को मिलेगा। सो, ये सब प्रोसेस करने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए बंद करके रख देंगे।
10 मिनट के बाद हम फिर प्लेट निकाल के देखेंगे तो, और फिर इसको हिलाएंगे तो ये काफ़ी अच्छा निकल के आता है और काफ़ी फ्लफ़ी फ्लफ़ी बन के रेडी होता है। सो ये उपमा की रेसिपीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड वन थिंग इज़ दैट कि हम है ना इस जो दूध डालते हैं ना इसकी जगह हम चाहे तो दही भी डाल सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा फ्लफ़ी बनता है। दूध डालेंगे तो हम पानी की मात्रा कम कर देंगे।